लोकमत न्यूज के ऑटोमोबाइल शो गियर अप में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुवासित। इन दिनों ऑटोमेटिक कारों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉम्पैक्ट कार हो, सेडान हो या एसयूवी, लगभग हर कार के ऑटोमेटिक वर्जन मार्केट में उपलब्ध हैं। हम आज जो कार आपके लिए लेकर आए हैं वो है फॉक्सवैगन एमियो। फॉक्सवैगन एमियो एक सब 4 मीटर सेडान है। हालांकि भारतीय बाजार के लिए ये कार थोड़ी पुरानी है, लेकिन आज जो ये कार मेरे पास खड़ी है वो 1.5 लीटर TDI डीजल और 7 स्पीड DSG से लैस है। पहले तो हम बात करेंगे इस कार के डिजाइन, फीचर्स और ओवरऑल लुक के बारे में, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ऑटोमेटिक कार खरीदने की चाह रखने वाले ग्राहकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है। फॉक्सवैगन एमियो पोलो हैचबैक का सेडान वर्जन है। इस कार को पोलो और वेंटो के बीच के गैप को खत्म करने के लिए उतारा गया था। ये एक मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया कार है। कंपनी ने सबसे पहले इस कार के पेट्रोल वर्जन को लॉन्च किया था और बाद में इसके डीजल वर्जन को लॉन्च किया गया था। एमियो का डीजल वर्जन डिजाइन में बिल्कुल अपने पेट्रोल वर्जन की तरह ही है। फ्रंट से ये पूरी तरह से पोलो की तरह नजर आती है। फॉक्सवैगन एमियो में स्मोक्ड हेडलैम्प लगाया गया है। कार के फ्रंट बम्पर पर क्रोम का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जो इसके लुक को प्रीमियम बना देता है। एमियो के डीजल वर्जन का इंटीरियर भी पेट्रोल वर्जन की तरह ही है। कार की केबिन की क्वालिटी लाजवाब है और इसकी फिनिश काफी अच्छी है। कार में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील लगाया गया है, जो आपको स्पोर्टी फील देगा। इसके अलावा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जिसमें ब्लूटूथ, टेलीफोनी, USB, AUX, SD कार्ड सपोर्ट, वॉइस कमांड और मिरर लिंक की सुविधा है। हालांकि इसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा कार में रियर AC वेंट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर, हाइट एंड रीच एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और फ्रंट आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो कार के इंटीरियर को अपने राइवल्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर बनाते हैं। लेकिन यहां जो एक निगेटिव पॉइंट है वो है इंटीरियर स्पेस। कार की फ्रंट सीट काफी आरामदायक है और इसकी कुशनिंग और क्वालिटी भी काफी अच्छी है, लेकिन खासकर कार की रियर सीट में आपको लेग रूम, थाई सपोर्ट और हेड रूम की थोड़ी कमी महसूस होगी। रियर AC वेंट्स की वजह से कार की रियर सीट पर बैठने वाले तीसरे पैसेंजर को लंबी दूरी की जर्नी के दौरान दिक्कत महसूस हो सकती है। फॉक्सवैगन एमियो में दिए गए क्रूज कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, वन टच एंटी पिंच पावर विंडो और कूल्ड ग्लव बॉक्स इस सब 4 मीटर सेडान को खास बनाते हैं। अब आपको बताते हैं फॉक्सवैगन एमियो के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। फॉक्सवैगन एमियो TDI में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन लगा है। ये वही इंजन है जिसका इस्तेमाल फॉक्सवैगन पोलो और वेंटो में भी करती है। ये इंजन 108 BHP का पावर और करीब 250 Nm का टॉर्क देता है। ये सब 4 मीटर सेडान सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार है। इस कार को ड्राइव करते ही आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि इसके 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स को कितनी अच्छी तरह ट्यून किया गया है। 7 स्पीड DSG के बावजूद कार की फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी है। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये कार आपको काफी पसंद आएगी। अगर आप इस कार से और भी बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो यहाँ आपको स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन भी मिलेगा, जो आपकी ड्राइव को और भी स्पोर्टी बना देगा। लोअर RPM में आपको मामूली लैग महसूस हो सकता है, लेकिन इस 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स से आप कतई निराश नहीं होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि इस कार का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ही इस कार की सबसे बड़ी खासियत है। कार में लगा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिखने में काफी अच्छा है। कार का स्टीयरिंग व्हील थोड़ा वेटेड है और सस्पेंशन भी स्टिफ है, जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी के हिसाब से ठीक ठाक है। अब बात करते हैं कार में दिए गए सेफ्टी फीचर्स के बारे में। फॉक्सवैगन एमियो के सभी वेरिएंट्स में ABS और डुअल एयरबैग को स्टैंडर्ड फीचर में शामिल किया गया है। इसके अलावा कार में हिल होल्ड असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। एक नजर डालते हैं फॉक्सवैगन एमियो के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स पर। फॉक्सवैगन एमियो का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी डिजायर, फोर्ड फिगो एस्पायर, ह्यूंडई एक्सेंट, टाटा टिगोर और होंडा अमेज से है। अब एक नजर फॉक्सवैगन एमियो TDI की कीमत पर। 7 स्पीड DSG से लैस फॉक्सवैगन एमियो TDI कंफर्ट लाइन प्लस और हाई लाइन वेरिएंट में उपलब्ध है। दिल्ली में कंफर्ट लाइन प्लस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत करीब 10,20,000 रुपए के आसपास है, वहीं हाई लाइन वेरिएंट की ऑन रोड कीमत 11,11,000 रुपए के आसपास है। तो ये थी आपके लिए फॉक्सवैगन एमियो TDI विद 7 स्पीड DSG।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फॉक्सवैगन की कारों को उसकी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। फॉक्सवैगन एमियो टीडीआई भी इस पैमाने पर पूरी तरीके से खरी उतरती है। हालांकि इंटरनल स्पेस और डिजाइन के मामले में ये अपने मुकाबले की कारों से थोड़ी कमजोर नजर जरूर आती है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये अपने राइवल्स को कड़ी टक्कर देती है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की बात की जाए तो बेशक एमियो में लगा 7-स्पीड डीएसजी अपने सेगमेंट का और इस प्राइस पॉइंट का बेहतरीन गियर बॉक्स है। अगर आप एक सब 4 मीटर सेडान खरीदना चाहते हैं जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से लैस हो, साथ ही उसका परफॉर्मेंस भी लाजवाब हो, तो फॉक्सवैगन एमियो का ये ऑटोमेटिक वर्जन आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गियर ऐप के एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर होंगे एक नई कार के साथ आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।